रंगोली से और उसमें शेड भरना सीखेंगे। तो पहले रेड कलर से ड्रॉ कर लेंगे, अपन दो फूल बनाना है, तीन पत्ती बनाना है। ढीला करना है, फिर पत्ती में शेड भरना सीखेंगे। पत्ती में दो साइड में दो शेड भरे, एक डार्क ग्रीन एक लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन में थोड़ा सा येलो कलर फिल किए और डार्क ग्रीन में थोड़ा सा डार्क ग्रीन और ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क किए और इस प्रकार से शेड भरे। और इसके बाद जो लाइट कलर है वो डार्क साइड में भरना है और जो डार्क कलर हो लाइट साइड में कुछ रेशा देना है और फिर कॉटन ब्रश से इनको फिनिशिंग करना है। तो ये बन जाएंगे सुंदर सा एक पत्ती शेडेड, दिखने में काफी अच्छा दिखता है। जब हम इस प्रकार शेड के पत्ते बनाते हैं इस प्रकार दोनों चलो फूल में शेड भरना सीखते हैं। पहले हमने रेड कलर फिल किया, रेड कलर के फिनिशिंग करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, थोड़ा सा बाजू में फैल भी गया तो इस रेड कलर के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिला के इस प्रकार के शेड भरना है। जैसे हमने रेड के साथ ब्लैक मिलाए और एक शेड बनाए तो पिंक कलर से किए, फिर बीच में रेड भरे और रेड और पिंक कलर को मिला के थोड़ा सा हल्का सा और फिर इस प्रकार का शेड देना है। और ये जब हम इस प्रकार के शेड के रंगोली बनाते हैं तो वीडियो में देखने भी अच्छा नहीं लगता है, यदि आप प्रैक्टिकल बनाते हो तो प्रैक्टिकल में भी इतना ही सुंदर दिखता है। सिर्फ इतना है कि जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें थोड़ा सा कलर डार्क दिखता है, एक्चुअली उसमें उतना डार्क नहीं रहेगा। जो और नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहा सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको